हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम। इससे पहले अपन ने स्केलेटन सिस्टम को कंप्लीट किया और इन दोनों सिस्टम जो हैं इनको मिलकर एक सिस्टम बनता है जिसे अपन कहते हैं मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हमने पढ़ लिया यानी कंकाल तंत्र हमने पढ़ लिया। आज हम मस्कुलर सिस्टम यानी कि पेशीय तंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, पेशीय तंत्र की जब हम बात करते हैं तो पेशीय तंत्र जो है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये गुलाबी कलर की पेशियाँ हैं और ये पेशियाँ किसके ऊपर पाई जा रही है, हड्डियों के ऊपर पाई जा रही है। तो जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब कंकाल हमने पढ़ा था कि यदि कंकाल को हमारी बॉडी से निकाल दें तो एक मांस का लुथड़ा जो होता है, मांस का हम कहें बोरी के समान जो संरचना है वो हमारी बनी रह जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं रह जाएगा शरीर में। ठीक है, तो जब एक स्ट्रक्चर हमें पता लग गया कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तब हमारी आगे चल के जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, ये सारी चीज़ें फिर बनने लगती हैं। तो मसल्स किस तरीके से, कौन सी मसल कहाँ बनेगी, ये कौन निर्धारित करता है, ये कंकाल पेशियों पर ही निर्धारित हो जाता है कि हाथ की मसल्स यहाँ पर बनेंगी, चेस्ट यहाँ पर बनेगा, नेक यहाँ पर बनेगी, ये सब कंकाल के द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में हम बात करते हैं तो देखिए, मस्कुलर सिस्टम जो बना होता है वो मसल से मिलकर बना होता है और मसल जो है वो एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब अपन मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो मस्कुलर सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स कलेक्शन है किसका, एक टिश्यूज़ का। और टिश्यूज़ कैसे, जिनका कि एक डिफरेंट पर्पज़ होता है प्रत्येक टिश्यू का। ठीक है, जब अपन कंपोनेंट की बात करते हैं मस्कुलर सिस्टम की, तो मस्कुलर सिस्टम में कई प्रकार के कनेक्टेड टिश्यू पाए जाते हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो फिजिकल मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। अब देखिए, क्या मसल्स ही सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है? नहीं, जो बोन था वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी कि संयोजी ऊतक होते हैं। इसी प्रकार से मसल्स होते हैं, मसल्स भी क्या होते हैं, एक प्रकार की संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। यानी कि बोन जो होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो हमारी पूरी बॉडी को जोड़ के रखती हैं, इसलिए उन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसी तरीके से जो मसल्स हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ के रूप में हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। आगे अपन बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। मसल्स के प्रकार हम पढ़ेंगे तो मसल्स के देखिए बेसिक दो प्रकार होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन हमारे इंडिया में यहाँ पर जब पढ़ा जाता है तो इनको तीन भागों में डिवाइड कर दिया जाता है इनके कार्य के आधार पर। ठीक है, सबसे पहली होती है स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशियाँ, दूसरी होती है कार्डियक मसल जिन्हें हृदय पेशियाँ कहते हैं, और तीसरी होती है स्केलेटल मसल यानी कि कंकाल पेशियाँ। एक एक की हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, स्मूथ की बात करते हैं तो ये इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि अनैच्छिक होते हैं, यानी इन पर हमारी जो इच्छा है वो काम नहीं करती, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी आप कोई भोजन लेते हैं, ठीक है, आपने फूड लिया, फूड को आप जब तक मुंह में रखेंगे तब तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फूड हमारे जो मुंह है उसमें भी कई प्रकार की मसल्स हैं, तो वहाँ पर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि चबाना है या नहीं चबाना है। उसके बाद जैसे ही आप उसे निगल लेंगे, तो निगलने के बाद जैसे ही वो फूड पाइप में जाएगा, तो फूड पाइप में जाने के बाद जो वहाँ पर क्रमानुकुंचन गतियाँ चलती हैं जिससे कि भोजन आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर आप नहीं कंट्रोल कर सकते उस चीज़ को कि अब मेरा फूड आगे जाना चाहिए या अब मेरा फूड आगे नहीं जाना चाहिए। और जैसे ही वो फूड पाइप से आगे निकल के स्टमक में चला जाएगा, उसके बाद आपका कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसका जो मन करेगा तो वो भोजन आगे ही बढ़ेगा, वो बाइक नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए, इसका मत तो ये होता है इनवॉलेंट्री मसल और वॉलेंट्री मसल में अंतर, यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ। तो ये जो स्मूथ मसल है ये कैसी हैं, अनैच्छिक पेशियाँ, इन पर कंट्रोल नहीं होता। दूसरी जो लाइन है इसका मतलब है नॉन स्ट्रिएटेड, यानी कि इनमें धारियाँ नहीं पाई जाती। अब देखिए, धारियों से मतलब क्या होता है कि आप मान के चलिए ये एक ब्लॉक है हमारे पास। ठीक है, इस ब्लॉक में एक हिस्सा है वो डार्क है। ठीक है, इसके बाद लाइट आ गया, उसके बाद फिर से एक हिस्सा आया डार्क, फिर एक हिस्सा आ गया लाइट, इसके बाद फिर एक हिस्सा आया डार्क, इसके बाद फिर एक हिस्सा आया लाइट और फिर आया डार्क। तो इस तरीके से जो संरचनाएं बनती हैं, धारियां बन जाती हैं, यानी कि डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन, तो उन्हें कहते हैं स्ट्रिएटेड। लेकिन यहाँ पर ऐसी धारियां नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड, यानी ये अरेखीय पेशियाँ हैं, अरेखीय यानी रेखा इनमें नहीं पाई जा रही। तीसरी हम बात करें तो इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि एक केंद्रक पाया जाता है एक मसल के अंदर। ठीक है, तो स्मूथ मसल का मतलब क्या हो गया, ये चिकनी पेशियाँ हैं। चिकनी का मतलब, स्मूथ का मतलब क्या है कि इन पर धारियाँ नहीं पाई जा रही, इसलिए ये कैसी हैं, स्मूथ हैं। दूसरी इन्वॉलेंट्री हैं और इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कि स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं आपकी होलो ऑर्गन्स में, जैसे कि आपका स्टमक, लीवर, किडनी, इन सब में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। दूसरी बात करते हैं अपन कार्डियक मसल यानी हृदय पेशियाँ की। जब इनका नाम ही कार्डियक, कार्डियक किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट से यानी हृदय से जब हम बात करते हैं तो हृदय में जो पेशियाँ पाई जाएंगी उन्हें अपन कार्डियक मसल्स कहेंगे। ये भी कैसी होती हैं, इन्वॉलेंट्री होती हैं, यानी कि इन पर भी हमारी जो इच्छा है उनका कंट्रोल नहीं होता, यानी हृदय को हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि अब आपको धड़कना चाहिए, अब आपको नहीं धड़कना चाहिए। तो ये कैसी मसल्स हैं, इन्वॉल्ट्री मसल हैं। दूसरी ये स्ट्रिएटेड हैं, यानी इन पर जो ये बैंड बैंड आपको बताए थे, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ये पाए जाते हैं।
ठीक है, इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस होता है और ये कैसी होती है, ये ब्रांचड होती हैं। तो स्मूथ और कार्डियक में अंतर क्या हुआ कि इनवॉलेंट्री है, ठीक है, एक तो धारियों का अंतर है कि इनमें धारियाँ पाई जाएंगी, इनमें धारियाँ नहीं पाई जाएंगी, और दूसरी क्या है कि ये ब्रांचड इनमें पाई जाएंगी, कुछ इस तरीके से शाखाएँ इनमें निकली हुई होंगी। ठीक है, तीसरी बात करते हैं स्केलेटल मसल यानी कंकाल पेशी की हम बात करते हैं, तो कंकाल पेशी बिल्कुल अलग है। कैसे, ये वॉलेंट्री है यानी कि ऐच्छिक पेशियाँ हैं, जब हमारी इच्छा करेगी हम इनको काम करवाएंगे, जब हमारी इच्छा करेगी तब हम इनको काम नहीं करवाएंगे। जैसे मेरा मन करा तो मैंने हाथ को ऊपर लिया, मुझे काम करने की जरूरत थी मैंने हाथ को ऊपर लिया, मेरा मन नहीं किया मैंने हाथ को सीधा कर दिया, मेरा मन करेगा तब मैं चलूँगा, मेरा मन करेगा तब मैं नहीं चलूँगा, मेरा मन करेगा हाथ ऊपर उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा। तो ये कैसे है, ये वॉलेंट्री है यानी मन करेगा, इच्छा जब हमारी होगी तब हम इनको काम करवाएंगे, अन्यथा ये काम नहीं करेंगे। दूसरी होती है स्टेटेड यानी इनमें धारियाँ पाई जाती हैं, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। तीसरी जो खास बात है कि इनमें न्यूक्लियस की संख्या एक से ज़्यादा होती है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकती हैं, मल्टी न्यूक्लियस ये हो सकती हैं। तो ये तीन जो टाइप्स थे मैंने आपको मसल्स के बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल के बारे में। देखिए एक बार आप यहाँ पर डायग्राम से समझ लीजिए कि जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनमें ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये डॉट है आपका क्या, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपको ये जो धारियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये धारियाँ क्या है, स्टेटेड, इन्हें ही लाइट बैंड डार्क बैंड का कॉम्बिनेशन अपन कहते हैं, और ब्रांच आपको दिखाई दे रही हैं। स्केलेटल मसल की हम बात कर रहे हैं तो स्केलेटल मसल क्या है, बोन से जुड़ी हुई होती हैं आपस में, ठीक है, बोन से जुड़ी हुई होती हैं, तो इनमें भी आपको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ये धारियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। तीसरी हम बात करते हैं स्मूथ मसल की, जैसे कि स्टमक में आपकी स्मूथ मसल पाई जाएंगी, तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है लेकिन किसी भी तरीके के धारियाँ या फिर बैंड आपको दिखाई नहीं दे रहे, ये चिकनी पेशियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए स्केलेटल मसल की हम बात करते हैं यानी कंकालीय पेशी की। तो जब किसी भी मसल की जब हम संरचना देखने जाते हैं तो संरचना को आप ऐसे समझिए कि बॉक्स, बॉक्स के अंदर फिर से बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, ठीक है, कई सारे बॉक्स रखे हुए हैं एक ही बॉक्स के अंदर, इस तरीके से संरचना समझ सकते हैं। या फिर आप दूसरी चीज़ समझिए, एक कल्पना कीजिए छोटी सी कि एक ट्रक है, ट्रक में पाइप्स रखे हुए हैं कई सारे, ठीक है, तो उन पाइप्स में एक बड़ा वाला पाइप है, फिर उस बड़े वाले पाइप के अंदर कई सारे छोटे छोटे पाइप्स हैं, फिर इन छोटे वाले वाले जो पाइप्स हैं उनके अंदर भी कई सारे छोटे मोटे पाइप्स हैं, फिर उनके अंदर भी छोटे छोटे पाइप्स हैं। तो कुछ इस तरीके से हम कहें स्केलेटल मसल की संरचना बनी होती है। तो सबसे पहले मसल है, मसल के अंदर कई सारे मसल बंडल पाए जाएंगे, ठीक है, मसल बंडल जो है वो कई सारे मसल फाइबर्स से मिलकर बने होंगे, मसल फाइबर्स जो है वो कई सारे माइक्रोफाइब्रिल्स से मिलकर बने होंगे, छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाओं से, और जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो कई सारे माइक्रोफिलामेंट्स यानी कि छोटे माइक्रोफाइब्रिल्स से भी छोटे छोटे धागों से मिलकर बने होंगे। और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो दो होते हैं हमारे मसल्स के अंदर, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन, ठीक है, दो प्रकार के मायोफिलामेंट्स हमारी बॉडी के अंदर या मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार आपको और डायग्राम से हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मसल्स हैं, ये किसी हमारी बाइसेप्स मसल्स हैं, ठीक, जब आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर वगैरह जब अपनी बाइसेप्स को फुलाते हैं तो फूल के छोटे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। तो इस मसल्स को हमने यहाँ पर जूम किया, जूम करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये मसल का बंडल आ गया हमारे सामने, ठीक है, ये पूरी मसल है, इस मसल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, छोटे 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 बंडल्स रखे हुए हैं मसल्स के। जब हमने एक बंडल को निकाल के इसको जूम आउट जूम इन किया तो जूम करने के बाद ये पूरा बंडल है और इसके अंदर भी छोटे छोटे ऐसे ही धागे जैसी संरचना पाई जा रही है, फिर बंडल पाए जा रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फेसिकल, ठीक है। इस एक फेसिकल को लेके हमने फिर से जूम इन किया तो जूम इन करने के बाद फिर इसके अंदर हमें छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं मिली जिसे अपन मसल फाइबर कहेंगे या फिर मसल सेल कहेंगे। तो एक चीज़ हमारे समझ में आएगी, मसल भी क्या है, एक प्रकार की सेल है और सेल से मिलके ही क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। तो जो मसल फाइबर है या फिर मसल सेल है, इस मसल सेल में से हमने एक सेल को लिया, सेल को हमने जूम इन किया, तो जूम करने के बाद जो सबसे छोटी संरचना बनेगी वो बनेगी माइक्रोफाइब्रिल्स, ठीक है। अब माइक्रोफाइब्रिल का हमने एक पोर्शन लिया और इस पोर्शन को फिर से जूम किया और जूम करने के बाद हमें जो माइक्रोफिलामेंट्स मैंने आपको बताए थे एक्टिन और मायोसिन वो हमें जाके दिखाई देंगे और इस एक पोर्शन को क्या कहेंगे, सार्कोमियर, ठीक है। आपको एक चीज़ सार्को जो शब्द है वो यहाँ पे याद रख लेना है क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें आगे लिंक होगी, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो ओवरऑल हमारी समझ में क्या आया अब तक, तो ओवरऑल हमारे दिमाग में चार्ट बन जाना चाहिए कि मसल, मसल के अंदर मसल बंडल होंगे कई सारे, एक मसल बंडल को हम जूम इन करेंगे तो फेसिकल बनेगा, फेसिकल को हमने जूम इन किया तो मसल फाइबर या फिर मसल सेल्स बनेंगे, मसल सेल को अपन जूम इन करेंगे तो माइक्रोफाइब्रिल्स बनेंगे और माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर मिलेगा हमें सार्कोमियर और सार्कोमियर के अंदर हमें मिलेंगे माइक्रोफिलामेंट्स जो होंगे एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये टेंडन, टेंडन क्या होता है, जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। चलिए अब देखिए मसल क्या है, एक प्रकार की सेल है,
ठीक है। तो कोई सेल है तो सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसके हम कहें ER होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब अपन मसल सेल की बात करते हैं तो मसल सेल का नाम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक सार्कोमियर, ठीक है। जब अपन किसी नॉर्मल सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर उसकी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन जब अपन मसल सेल की बात करते हैं तो उस मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसे बोला जाता है सार्कोलेमा, ठीक है। उसके बाद जैसे एक हमारे पास नॉर्मल सेल होती है तो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, लेकिन जब अपन मसल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम बदल जाता है, वो हो जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, लेकिन जो मसल सेल होती है उसके अंदर जो भरा रहता है उसे अपन सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, जो कि हमको स्टोर्ड एनर्जी है हमारी एक तरीके से, ठीक है। जब अपन जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक मसल सेल की चीज़ मैंने आपको बताई, सार्कोलेमा क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, मसल सेल की। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, जैसे नॉर्मल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ऐसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो कि कैल्शियम आयन का सिक्रेशन करेगी, आगे अपन पढ़ेंगे। उसके बाद सार्कोप्लाज्म होता है क्या, जो मसल सेल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है पूरी, उसे अपन सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये एक माइक्रोफाइब्रिल है, ठीक है। इस माइक्रोफाइब्रिल के अंदर कई सारे मायोफिलामेंट्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। दो मायोफिलामेंट्स हैं, कौन कौन से, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन की हम बात करते हैं तो ये दोनों ही प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको यहीं समझ लेनी है कि जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो थिन होता है, ठीक है, और मायोसिन जो फिलामेंट है वो कैसा होता है, वो थिक फिलामेंट होता है। अब आपको यहीं से समझ लेनी है, मैं बात जो बताने वाला हूँ उसको आप अपने कोई ऐसे जो फैटी लोग हैं, चबी लोग हैं, वो अपने ऊपर ना लें, लेकिन आप समझने के लिए बता रहा हूँ कि हम कैसे याद करेंगे। तो जो एक्टिन फिलामेंट है वो थिन है, ठीक है, और जो मायोसिन फिलामेंट है वो थिक है। तो मायोसिन से आप याद कर सकते हैं मोटा, तो जो मायोसिन जो फिलामेंट है वो मोटे मोटा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे, थिक फिलामेंट कहेंगे, वहाँ से मायोसिन, वहाँ से मोटा, ठीक है। और एक्टिन और थिन दोनों आप देखेंगे तो सेम सा लग रहा है, एक्टिन और थिन, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कौन सा फिलामेंट थिन फिलामेंट है और कौन सा फिलामेंट थिक फिलामेंट है, इस तरीके से। अब अपन जब इनकी स्ट्रक्चर बात करेंगे एक की, तो हमें सार्कोमियर को पढ़ना होगा, ठीक है। सार्कोमियर के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से जो एक्टिन फिलामेंट हैं और थिक फिलामेंट किस तरीके से अटैच रहते हैं या किस तरीके से पाए जाते हैं। चलिए ये हमारे पास एक क्या है, सार्कोमियर है, एक हमने एरिया ले लिया, ठीक है। इस एरिया के अंदर जेड डिस्क है और इधर भी क्या है, ये भी, इधर भी क्या है, जेड लाइन, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ जाने आ जानी चाहिए कि एक जेड लाइन से लेके दूसरे जेड लाइन तक के एरिया को क्या कहा जाता है, सार्कोमियर कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखिए ये जो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ये हैं थिन फिलामेंट, जिसे अपन क्या कहेंगे, एक्टिन। और ये जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मायोसिन, जिसे अपन कहेंगे थिक फिलामेंट। तो ये आपको साइज में भी दिखाई दे रहे हैं वो थिन है और थिक है। अब आई बैंड, ए बैंड, एच बैंड, एच जोन और एम लाइन, ये सब क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी इनमें कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है, ठीक है। देखिए समझो, सबसे पहले हम बात करते हैं आई बैंड की। आई बैंड में हम जो कंसिडर करते हैं चीज़ों को, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको किया जाता है लाइट बैंड को, ठीक है। यानी आई बैंड कैसा है, लाइट बैंड होगा, और ए बैंड कैसा होगा आपका, डार्क बैंड होगा, ठीक है। ए बैंड कैसा होगा, डार्क बैंड होगा, और आई बैंड कैसा होगा, लाइट बैंड होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमने क्यों ए बैंड को लाइट बैंड, डार्क बैंड कहा और आई बैंड को लाइट बैंड कहा, क्यों? क्योंकि देखिए आई बैंड में जो आई है इसका मतलब है आइसोट्रॉपिक, और ए बैंड में ए है इसका मतलब है एन आइसोट्रॉपिक। तो जो जिसमें से लाइट पास हो जाती है उसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक, और जिसमें लाइट पास नहीं हो पाती उसे कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो आई बैंड में मतलब है ये लाइट बैंड है, और ए का मतलब है इसमें से लाइट पास नहीं हो रही इसलिए ये डार्क बैंड है, यानी कि मोटा है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आई बैंड और ए बैंड क्या है। तो आई बैंड जो होगा, आई बैंड का एरिया देखिए यहाँ से और यहाँ तक है, ठीक है। इसी तरीके से आई बैंड का एरिया यहाँ से और यहाँ तक है। अब इस आई बैंड में आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थिन फिलामेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कैसे फिलामेंट, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरी हम ए बैंड की बात करते हैं, तो ए बैंड में देखिए आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देगी, मैं इसको दूसरी से बात करते हैं। अब आपको ए बैंड की यदि हम बात कराते हैं, ए बैंड में आपको क्या क्या चीज़ दिखाई दे रही है, देखिए ए बैंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ए बैंड में आपको मायोसिन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ए बैंड में आपको एक्टिन भी दिखाई दे रहा है, और ए बैंड में आपको मायोसिन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ए बैंड के अंदर आपका क्या है, मैं यहाँ लिख दूँ, ए बैंड के अंदर मायोसिन प्लस एक्टिन,
दोनों चीज़ें हैं, और आई बैंड के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, ठीक है। अब देखें, लेकिन ए बैंड के अंदर एक जगह ऐसी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, मायोसिन ही मायोसिन आपको दिखाई देगा। ये जगह कैसी है, ये जगह ऐसी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, कोई भी यहाँ पर एक्टिन का फिलामेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस जो मायोसिन की जगह है जहाँ सिर्फ मायोसिन है, उसे कहेंगे अपन क्या, एच जोन, ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे, एच जोन। तो ये आपको जोन समझ में आ गए। ये जो है ये क्या है, जेड लाइन है, दोनों तरफ पाई जाएगी जेड लाइन, ठीक है। उसके बाद आई बैंड है, ए बैंड है, एच जोन है, ठीक है। एच जोन के बाद एक चीज और यहाँ पर पाई जाती है, बिल्कुल बीचों बीच में मायोसिन के बिल्कुल बीचों बीच में एक लाइन पाई जाती है। इस लाइन को बोला जाता है क्या, एम लाइन। इस लाइन को क्या बोला जाता है, एम लाइन बोला जाता है। अब एक बार फिर से आप इसको रिवाइज करिए, देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ एक और बार। अब देखिए फिर से एक बार हम इसको समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक माइक्रोफाइब्रिल है, ठीक है। इस माइक्रोफाइब्रिल में हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इस माइक्रोफाइब्रिल में हमें यहाँ से और यहाँ तक तो सिर्फ जेड लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें सार्कोमेर की बात कर रही, तो सार्कोमेर का एरिया क्या है, जेड से लेकर जेड तक ही जेड लाइन, सॉरी बीच आई, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास दो चीज़ें हैं, आई बैंड और एक है ए बैंड, ठीक है। पहले आई और ए को निपटा लेते हैं। आई बैंड के अंदर मैंने आपको क्या बताया, आई बैंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही आई बैंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक। तो आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्टिन, ठीक है। दूसरी चीज, ए बैंड कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, दूसरे पेन से बनाता हूँ। ए बैंड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक। ए बैंड के अंदर क्या है, एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, यानी ए के अंदर क्या है, एक्टिन प्लस मायोसिन, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद एक एरिया ऐसा भी है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पाया जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन पाया जा रहा है। इस मायोसिन वाले एरिया को क्या बोला जाता है, एच जोन। और इस मायोसिन वाले एरिया के अंदर ही एक लाइन पाई जाती है, उस लाइन को बोला जाता है बिल्कुल बीचों बीच से, उस लाइन को बोला जाता है क्या, एम लाइन, ठीक है। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एम लाइन क्या होती है, आई बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, एच जोन क्या होता है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे, आपको जरूर से समझ में आ जाएगी ये चीज़। तो ये हमने एक किसकी स्ट्रक्चर देखी, एक माइक्रोफाइब्रिल की हमने स्ट्रक्चर देखी। हम देखिए बात करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि मसल हमने स्केलेटल मसल के अंदर पढ़ लिया, क्योंकि जब हम मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट में मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और मसल का रिलैक्सेशन भी होगा, तो वो हमें पढ़ना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से मसल हमारी करती है। तो जब साइंटिस्ट कई सारे हुए, उन्हें ये पता लगा कि मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, तो फिर उनके मन में एक क्वेश्चन आया कि हम ये तो देखें किस तरीके से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन किस तरीके से होता है। तो कई सारे साइंटिस्ट हुए, उनमें से एक साइंटिस्ट और उनके साथ के दोस्त थे AF हक्सले, और इनके कई सारे दोस्त थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट करी। उस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है, कि जो फिलामेंट है, जैसे मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट, दोनों आपस में स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करते ही जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो परफॉर्म होता है। तो साइंटिस्ट कौन से थे, AF हक्सले, और इन्होंने ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी थी दी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को समझते हैं। सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है एक्टिन फिलामेंट, और नीचे वाला है ये आपको दिखाई दे रहा है मायोसिन फिलामेंट। सबसे पहले अपन मायोसिन की बात कर लेते हैं। तो मायोसिन फिलामेंट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। दो चीज़ कौन कौन सी है, एक जो इसका पोर्शन है, जैसे मैं इस वाले पार्ट को ले लेता हूँ, इसमें ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रही है, ये है इसकी टेल, और ये जो दो आपको चने की जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये है इसके हेड, ठीक है। और ये मायोसिन फिलामेंट किससे मिलकर बना होता है, पॉलीपेप्टाइड की चेन है, दोनों ही इसकी हैवी चेन्स होती हैं। तो मायोसिन फिलामेंट पॉलीपेप्टाइड की यानी प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टेल है, दूसरा पोर्शन का हेड है, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, जो हेड वाला पोर्शन है, ये हेड वाला पोर्शन ही किससे अटैच हुआ, एक्टिन से अटैच होगा, और ये इसको पीछे की तरफ पुल करेगा, यानी एक दूसरे पर ये स्लाइड करेंगे, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगी। तो मायोसिन आपके समझ में आ गया। अब अपन एक्टिन की बात करते हैं। मायोसिन बहुत सिंपल सा है, लेकिन एक्टिन में थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे, कि एक्टिन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये जो आपको चेन दिखाई दे रही है, दाने दाने छोटे छोटे पीले कलर के चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये चीज़ क्या है, ये इसकी प्रोटीन की चेन है, यानी पॉलीपेप्टाइड की चेन है। तो दो तो इसकी क्या हो गई, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, आपको एक येलो कलर की ऐसी रस्सी जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी, ये एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन कौन सी है, ट्रोपोमायोसिन। कौन सी प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको एक ग्रीन कलर की चीज़ और दिखाई दे रही होगी, ये एक गोलाकार प्रोटीन है, और इस गोलाकार प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन,
ठीक है। तो तीन चीज़ों से मिलकर आपका एक्टिन बना हुआ है। किससे? सबसे पहले दो पॉलीपेप्टाइड चैन है, उसके अलावा एक प्रोटीन है जिसे कहेंगे ट्रोपोमायोसिन, दूसरी प्रोटीन है जिसे हम कहेंगे ट्रोपोनिन। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर आपका एक्टिन जो फिलामेंट है वो बना हुआ है। इसके अलावा जब अपन ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, हमने ट्रोपोमायोसिन है एक लंबी प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्टिन है वो भी एक लंबी प्रोटीन है, लेकिन जो ट्रोपोनिन है ये गोलाकार प्रोटीन है। जब अपन इसकी संरचना देखते हैं तो कुछ इस तरीके की संरचना हमें इसकी दिखाई पड़ती है। इसके तीन ब्लॉक्स इसके अंदर बने हुए हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन तीन ब्लॉक्स के अंदर एक जो ब्लॉक है वो है कैल्शियम आयन का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आकर कैल्शियम आयन आपके बाइंड होंगे, वो किस तरीके से परफॉर्म होगा वो हम आपको बताएंगे। दूसरा जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर पाया जाता है आपका एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करने का साइट, ठीक है। यानी यहाँ पर आकर एक्टिन से ये बाइंड हुई प्रोटीन है। तीसरी जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या होगा, इसके अंदर ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जो है वो आकर बाइंड होगी, ठीक है। तीन ब्लॉक हैं इसके अंदर ट्रोपोनिन प्रोटीन के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर कैल्शियम आयन निकलेंगे, रिलीज होंगे, उसके अलावा दूसरे पे एक्टिन आके बाइंड होगा और तीसरे पे क्या, ट्रोपोमायोसिन आकर बाइंड होगी। ये तीन पोर्शन किसके हैं, ट्रोपोनिन प्रोटीन के, ठीक है। आपको समझ में आ गया, तीन तीन की हम बात करते चल रहे हैं। सबसे पहले एक्टिन की बात करें तो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ, एक्टिन प्रोटीन से, यानी दो पॉलीपेप्टाइड चेन से, उसके अलावा ट्रोपोनिन प्रोटीन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है उसके भी तीन ब्लॉक हैं, उन तीन ब्लॉक में एक में कैल्शियम आयन आके अटैच होंगे, दूसरे एक्टिन से जो अटैच है, और तीसरे पर ट्रोपोमायोसिन आके अटैच होगा, ठीक है। और मायोसिन फिलामेंट वाला सिंपल सा है बेचारा, दो उसके हेड हैं और पीछे की तरफ एक टेल बनी हुई है। अब देखिए किस तरीके से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन चलता है, या मसल किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। सबसे पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे दिमाग से होती है, यानी ब्रेन से होती है। ब्रेन से सिग्नल आता है, ये नर्व है, सिनेप्टिक नोड है, ये देखिए ये सिनेप्टिक नोड है, इसने यहाँ पर सिग्नल को रिलीज किया, ठीक है। इम्पल्स आया, इम्पल्स को रिलीज किया ACH के रूप में। अब क्या होगा, जैसे ये सेल है, ये जो आपको येलो करके दिखाई दे रही है, ये क्या है, मसल सेल है, ठीक है। मसल सेल के अंदर ये टिब्यूल बनी हुई है जिसे कहते हैं टी टिब्यूल, ठीक है। और इस मसल सेल के अंदर ये आपके माइक्रोफिलामेंट्स पड़े हुए हैं, यानी एक्टिन और मायोसिन दोनों पड़े हुए हैं। ये मायोसिन है और ये क्या है, एक्टिन है। अब इस मसल सेल के अंदर यहाँ से नर्व इम्पल्स आएंगे, ठीक है। नर्व इम्पल्स इस टी टिब्यूल के अंदर आते हुए यहाँ तक आएंगे, और ये बीच में क्या दिखाई देगी हमें, यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर सेल के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम एटीपीएस पंप पाया जाता है, उस एटीपीएस पंप से कैल्शियम आयन को रिलीज कर दिया जाता है, कहाँ पर, मसल के लिए, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गई, एक बार फिर से समझिए, देखिए कैसे, ठीक है। फिर से समझिए, ये नर्व इम्पल्स यहाँ से आए, नर्व इम्पल्स यहाँ से आएंगे ये टी टिब्यूल के अंदर। टी टिब्यूल के अंदर आते ही ये जो आपकी येलो कलर, सॉरी, ये जो आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाएगा कि हमें कैल्शियम आयन की जरूरत है, ये तुरंत कैल्शियम आयन यहाँ पर रिलीज कर देगी। और यहाँ पर जो आपके मायोफिलामेंट्स हैं वो पड़े हुए हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन पर आकर ये कैल्शियम आयन रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम आयन की हमें क्यों जरूरत पड़ी, ये जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है और इधर ये आपकी ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है, आप इस इधर दिखाई दे रहे हैं, ये जो हेड है ये इसे तब जुड़ेगा जब यहाँ से ये ट्रोपोनिन प्रोटीन हट जाएगी। और ट्रोपोनिन प्रोटीन का मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यानी थ्री ब्लॉक्स पाए जाते हैं। कैल्शियम आयन यहाँ पर आकर अटैच होंगे, जैसे ही कैल्शियम आयन इस पोर्शन पर आकर अटैच हो जाएंगे, ये ट्रोपोनिन जो यहाँ पर अटैच हुई है ये यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। यानी हमारा काम क्या है, यहाँ से इस ट्रोपोनिन को हटाना है। जैसे ही ये ट्रोपोनिन यहाँ से हटेगी, हटने के तुरंत बाद ये जो हेड है यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए, कैल्शियम आयन यहाँ पर आएंगे, कैल्शियम आयन आने के बाद ये जो फिलामेंट है किसका, मायोसिन का, ये मायोसिन का फिलामेंट यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। तुरंत ही तुरंत क्या होगा, एक एटीपी आएगा, एटीपी किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एडीपी के अंदर, और फॉस्फेट अलग निकल जाएगा, लेकिन जो हमें चीज़ चाहिए वो क्या निकलेगी, एनर्जी। वो एनर्जी क्या काम करेगी, यहाँ पर जैसे ही इस पर अटैच होगा, एडीपी के अंदर चेंज हो जाएगी, एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलने के दौरान ही क्या होगा, इसको पीछे की तरफ स्लाइड कर देगा, ठीक है। आप थोड़ा सा कल्पना का यूज़ करिए, अपनी सोचने समझने की शक्ति का, जैसे ही इसको यहाँ पर अटैच करेगा, ये पीछे की तरफ इसको पुल करेगा, पीछे की तरफ जैसे ही पुल करेगा तो ये जो एक्टिन का धागा है इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो एक्टिन का धागा इधर की तरफ मूव करेगा तो मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे कि मान के चलिए ये क्या है, मायोसिन है, ये एक्टिन का फिलामेंट है, ठीक है। जैसे ही इसको इधर करके पुल करेगा तो ये क्या होगा, इधर की तरफ चला जाएगा, तो मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब तुरंत क्या होगा, जैसे ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब मसल का रिलैक्सेशन होना भी जरूरी है। अब मसल रिएक्ट जो हम कहें, अब अपन मसल रिलैक्स कैसे करेंगे, तो मसल रिलैक्सेशन के लिए फिर से ज़रूरत पड़ेगी हमें किसकी, एक और एटीपी की, ठीक है।
एक एटीपी आएगा, फिर से वो एडीपी के अंदर चेंज होगा और एनर्जी को निकाल के जाएगा, और एनर्जी निकलेगी यहाँ से इसको डिटैच करने के लिए। जैसे ही यहाँ से डिटैच हो जाएगा, तुरंत एक्टिव फिर से इस साइड की तरफ आ जाएगा और अपनी पहले जैसी पोजीशन में आ जाएगा, और हमारी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, फिर से हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, कैल्शियम आएगी, कैल्शियम और जो आपका ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोनिन आएगा, फिर से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। लेकिन हमें फिर से ज़रूरत पड़ेगी, क्या फिर से हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी है, फिर से कैल्शियम आयन आएंगे यहाँ पर और इस ट्रोपोनिन को यहाँ से हटाएंगे। हटाने के बाद ये जो इसका हेड वाला पार्ट है इसे जुड़ेगा, जुड़ने का इसको पीछे की तरफ पुल करेगा, एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर से जब इसको पुल कर देगा लास्ट तक, फिर से इसको रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से एटीपी आएगी, एनर्जी रिलीज होगी, उसको वापस से अपनी पहली जैसी पोजीशन में ला दिया जाएगा। तो इस तरीके से रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल करती रहती है। अब देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बेसिकली हो क्या रहा है, जेड लाइन कम क्लोजर, एच जोन डिसअपीयर एंड आई बॉन्ड, आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो रहा है। देखिए इसको फिर से हमें यहाँ पर आकर समझना होगा कि सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके दौरान जेड लाइन है वो छोटी हो रही है, यहाँ से लेके जेड लाइन यहाँ तक स्टार्ट है। जैसे ही ये यहाँ पर बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद एक्टिन को इधर की तरफ खींचेगा, ठीक है, ऐसे ही ये इधर की तरफ बाइंड करेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो दोनों जब इधर की तरफ आएंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये जो जेड लाइन है वो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, जेड लाइन ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगी। चलिए दूसरी चीज़ क्या है, एच जोन है वो डिसअपियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एच जोन कैसे, एच जोन क्या था, ये वाला पोर्शन, यानी कि ये। अब एक चीज़ समझिए कि जब आपकी एक्टिन इधर की तरफ आ जाएगा और ये एक्टिन इधर की तरफ आ जाएगा, तो क्या ऐसा कोई पोर्शन बच जाएगा कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट हो? नहीं बचेगा, क्योंकि दोनों जगह पर मायोसिन एक्टिन जो है वो आकर अपनी जगह बना लेगा और मायोसिन की सिंगल जो मायोसिन की जगह है वो नहीं रह जाएगी, तो एच जोन भी उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो होगी कि आई बैंड जो है वो शॉर्टर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे आई बैंड शॉर्टर, वो चीज़ समझिए। देखिए आई बैंड का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक्टिन दिखाई दे उसे अपन कहेंगे आई बैंड। तो जब यहाँ से एक्टिन इधर की तरफ चला जाएगा, ये वाला एक्टिन इधर चला जाएगा, ये एक्टिन इधर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक आई बैंड की जो है वो लंबाई वो शॉर्ट हो जाएगी, यानी छोटी हो जाएगी। तो जब ये तीनों चीज़ें अपन देख लेंगे तो अपन कहेंगे कि जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, एच जोन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जेड लाइन जो है वो शॉर्टर हो जाएगी, उसके अलावा आई बैंड भी क्या है छोटे हो जाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों से हम ये निर्णय ले सकते हैं कि जो मसल है वो रिलैक्स हो रही है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और जब रिलैक्सेशन होगा तो वापस से क्या होगा, एक्टिन अपनी जगह पर आ जाएंगे, मायोसिन अपनी जगह पर आ जाएंगे, जेड लाइन है फिर से पहली जैसी हो जाएगी, एच बैंड फिर से, एच जोन फिर से हमें दिखाई देने लग जाएगा, आई बैंड पहली जैसी लंबाई में आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो आसानी से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको जरूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। और एक बार यदि आपको समझ में आ जाए तो मुझे नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर आपको सर हमें समझ में आ गया है। अगर नहीं भी आया तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से वीडियो बनाऊंगा, फिर से आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला जो है आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, तब तक वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।